हेलो फ्रेंड्स, बोगी द सुपर लेबोरेटरी इज़ बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर द सर्जरी। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये सर्जरी के बाद की वीडियो है और हम लोग बोगी के स्टिचेस के ऊपर मेडिसिन लगा रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि हम लोगों को बैंडेज को हटा के दिन में 4 से 5 बार उस स्टिचेस के ऊपर मेडिसिन लगाना है, तो वो स्टिचेस जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि बोगी थोड़ी ज़्यादा हिल रही है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि बोगी को पेन हो रहा है, उसके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम है। तो जी नहीं, बोगी के स्टिचेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो शेव्ड एरिया है ना, उसमें छोटे छोटे बाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब टेप पुल करते हैं तो उसमें दर्द होता है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वही दर्द जो वैक्स के टाइम पे हम लोगों को होता है वही। और रात की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने उसे एक टी शर्ट भी पहनाया हुआ है ताकि वो बैंडेज ना निकले। वो बैंडेज को सपोर्ट मिल जाता है टी शर्ट की वजह से। और हम लोगों ने एक वो कोन शेप का कॉलर भी ख़रीदा है ताकि वो उस स्टिचेस को या बैंडेज को लीक ना कर सके। और मैंने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, क्या सॉल्यूशन और क्या ऑइंटमेंट यूज़ की है, वो मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। आप वो भी देख सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। और आप लोग भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द रिकवर करे और उसकी वीडियोस आप लोगों को एंटरटेन करती रहे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा ज़रूर। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।